नमस्ते सभी को। कल हम लोग सेल्फ की एक्टिविटीज को विस्तार से स्टडी कर रहे थे और एक एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे अपने आप में ऑब्जर्व करने का। तो जो भी शब्द वहां लिखे हैं ब्लॉग B2 में, उनको अपने आप में देखने का हम अभ्यास कर रहे थे कि जो कुछ मेरे अंदर चल रहा है क्या मैं उसको इन वर्ड्स के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ। तो इमेजिनेशन में जो कुछ भी चल रहा है, अभी इमेजिनेशन भी हटा दें, सिंपली देखें जो कुछ भी चल रहा है ना, क्या इन्हीं में से कोई क्रिया है या लगता है कोई ऐसी क्रिया है जो इनमें से किसी में नहीं है। इसको अपने को ऑब्जर्व करना था कल। इस पर अगर किसी ने कोई ऑब्जर्वेशन किया हो और उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। तो हमें देखना था कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, ठीक है ना, क्या क्रिया चल रही है और वो क्या इन्हीं में से कोई क्रिया है या इससे कोई भिन्न क्रिया है, इससे कोई अन्यथा क्रिया है। तो मेरे अंदर आस्वादन हो रहा है कि नहीं, चयन हो रहा है कि नहीं, तुलन हो रहा है कि नहीं, विश्लेषण हो रहा है कि नहीं, चित्रण हो रहा है कि नहीं, यहाँ से शुरू करना था। चित्रण को ही इच्छा कहा, विश्लेषण और तुलन को ही विचार कहा, चयन और आस्वादन को ही आशा कहा। इसे हम अपने आप में देखेंगे तो पाएंगे कि जो कुछ भी मेरे अंदर चल रहा है कल्पनाशीलता में इन्हीं में से कोई क्रिया है। चित्रण का मतलब मेरे अंदर कुछ होने का भाव है, मैं कुछ होना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक समाज के व्यक्ति के रूप में, एक प्रकृति की इकाई के रूप में, अपने आप में इस समग्र अस्तित्व की एक इकाई के रूप में कुछ होना चाहता हूँ। उसी को देखें तो मैं संबंध में कुछ होना चाहता हूँ, मैं इस व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में कुछ होना चाहता हूँ, फिर जो कुछ मैं होना चाहता हूँ उससे जुड़ा हुआ मेरा कोई भाव है, उसी को लेकर मैं विचार करता हूँ। और जब मैं विचार करता हूँ तो मैं विश्लेषण करता हूँ, यानी बांट बांट कर देखता हूँ। श्लेष का मतलब है चिपका हुआ, विश्लेषण मतलब जो चिपका हुआ उसको फैला कर देखना, कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई इकाई, जो भी कुछ हमारी कल्पनाशीलता में आता है उसमें मैं उसको फैला फैला कर देखता हूँ, बांट बांट कर देखता हूँ। और फिर मैं तुलन भी करता हूँ, ये ठीक रहेगा या वो ठीक रहेगा, ये प्रिय है या वो प्रिय है, ये मेरे स्वास्थ्य के अर्थ में ठीक बैठेगा या दूसरा कुछ ठीक बैठेगा, इसमें लाभ है या उसमें लाभ है, इससे संबंध में दोनों का सुख होगा या किसी और विधि से होगा कि नहीं, ये व्यवस्था के अर्थ में होगा या कुछ और व्यवस्था के अर्थ में होगा। इस प्रकार से मैं तुलना भी करता रहता हूँ। जो भी मैं तुलना करता हूँ उसके साथ मुझे एक स्वाद मिलता है, भाव का स्वाद मिलता है या संवेदना का स्वाद मिलता है या समझ का स्वाद मिलता है। और फिर उसके साथ मैं चयन करता हूँ और आप पाएंगे कि मेरे अंदर ये क्रियाएं चलती ही रहती हैं अनवरत, इनकी वस्तु भले बदलती रहती हो, क्रियाएं मेरे अंदर चलती रहती हैं। अभी जो प्रयास कर रहे हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि ऊपर की जो लिखी हुई क्रियाएं हैं, अनुभव, प्रमाण, बोध, संकल्प और चिंतन, ये क्रियाएं मेरे अंदर जागृत हो जाए तो नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। तो जो रेड एरो बना हुआ है चिंतन से चित्रण की ओर, ये अभी हो सकता है हमारे अंदर एक्टिव ना हो, तो अभी चिंतन को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे जागृत करेंगे, तो अपने भाव के प्रति सजग होंगे और फिर देखेंगे कि यही भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है या कोई और भाव, वो कौन सा भाव है जो मुझे सहज रूप से स्वीकार है, उसको लोकेट करते हैं, उसको पहचानने का प्रयास करते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में जिस क्षण वह भाव मुझे स्पष्ट रूप से दिख जाता है, और दिखना मतलब अनुमान लगाना नहीं, विचार करना नहीं, उसका स्वाद लेना नहीं, दिख जाना कि ऐसा ही है और उसमें ना कोई शंका रही ना कोई द्वंद रहा, है ना, स्पष्ट रूप से दिख गया, उसको कहा चिंतन। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, जो हम वर्कशॉप कर रहे हैं, जो हम जी कर देखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अंदर जांच परख कर रहे हैं, हमें काम यहाँ से शुरू करना है कि ये जो सहज स्वीकृत भाव है ये मुझे दिख जाए, उसमें मुझे कोई अलग से विचार ना जोड़ना पड़े, कोई अनुमान ना लगाना पड़े, ठीक, उसमें कोई द्वंद्व ना रह जाए, कोई शंका ना रह जाए, ऐसा ही है, ऐसा मुझे दिख जाए, है ना। तो ये भाव मुझे स्पष्ट होता है, उसको कहा चिंतन, भाव दिखता है मुझे, उसका मतलब कि मुझे अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी स्पष्ट होती है, संबंध स्पष्ट होता है।
और जिस इकाई को लेकर भागीदारी स्पष्ट होती है, इकाई की स्वयं में व्यवस्था भी स्पष्ट होती है। तो मानव मैं और शरीर का सहस्तित्व है, यह स्पष्ट होता है। उसके साथ ही मैं और शरीर के बीच का सहस्तित्व किस प्रकार है, किस प्रकार भागीदारी है, वो भी स्पष्ट होता है। तो ये इकाई की स्वयं में व्यवस्था स्पष्ट होती है। फिर जैसी व्यवस्था स्पष्ट होती है, वैसा ही जीने के लिए संकल्पित होते हैं, उसको गति मिलती है। तो ये समझ, ये बोध हमारे में स्थित हुआ, उसको गति मिलती है संकल्प क्रिया के आधार पर। फिर ऐसा ही करते हुए धीरे धीरे हमें एक एक इकाई के साथ, एक एक अवस्था के साथ भागीदारी स्पष्ट होती है, वो अवस्था भी स्वयं में स्पष्ट होती है। और फिर अपने अंदर एक प्रेरणा बनती है कि पूरी व्यवस्था को, उसके आधार को देखा जाए कि पूरी व्यवस्था किस प्रकार बनी हुई है, उसका आधार क्या है। तो शून्य को देखने की प्रेरणा बनती है, उसकी जिज्ञासा बनती है, और फिर हम उधर ध्यान देते हैं। और फिर किसी पॉइंट पर जाकर हमें पूरा अस्तित्व अस्तित्व के रूप में स्पष्ट होता है, दिख जाता है, ये भी दिखता है ना, इसको अनुभव नाम दिया। फिर जैसे ही हमारे में ये घटना घटित होती है कि हमें अनुभव हुआ, अस्तित्व अस्तित्व के रूप में दिख गया, अब इस अस्तित्व का ज्ञान मेरे अंदर बना रहता है। अब वो ज्ञान गति में जब जाता है तो प्रमाण रूप में जाता है कि अब ऐसे ही पूरी कल्पना होनी है, इसी के आधार पर पूरी कल्पना व्यवस्थित होनी है, इसी के आधार पर मेरा आचरण व्यवस्थित होना है, इसी आधार पर पूरे जीने का कार्यक्रम व्यवस्थित होना है, ये प्रमाण बना। तो मैं शून्य में हर क्षण बना हुआ हूँ, शून्य में हर क्षण संप्रक्त हूँ, बट उसको देखने की प्रेरणा नहीं बनती तो वहां तक ध्यान नहीं जाता, क्योंकि अभी इकाई की परस्परता में उलझे रहते हैं। इकाई की स्वयं में अगर अस्पष्टता है उसमें उलझे रहते हैं। बट ऐसा समझते हुए, देखते हुए एक स्थिति बनती है जब हमें अनुभव होता है, और उसके बाद फिर उसके साथ मेरी क्रियाओं में पूर्णता हो जाती है। तो जो नीचे की 5 क्रियाएं हैं उसमें तो हम अभी एक्टिव हैं, ऊपर की 5 क्रियाओं में एक्टिव नहीं है, अनुभव के साथ उसमें पूर्णता हो जाती है। तो मेरी सारी स्थिति क्रियाएं भी पूर्ण हो गई, गति क्रियाएं भी पूर्ण हो गई। तो ये लक्ष्य है कि स्वयं में मैं अनुभव तक पहुंच जाऊं, और जीने में मैं मानव के साथ व्यवहार करते हुए उभय सुख को सुनिश्चित कर पाऊं, प्रकृति के साथ कार्य करते हुए उभय समृद्धि को सुनिश्चित कर पाऊं, और व्यवस्था में भागीदारी करते हुए मानव लक्ष्य को पूरा कर पाऊं। और यही मेरे अनुभव का, मेरे ज्ञान का एक्सप्रेशन है बाहर। तो मैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का आधार बन जाता हूं, और मैं मानवीय परंपरा का आधार बन जाता हूं। अब ये दो छोर अपने को दिखाई देते हैं, यही मेरा विकास, अस्तित्व में विकास का यही एक कार्यक्रम है, इस बात को अपने को देखनी जरूरत है। तो अगर हम शेष प्रकृति को देखें तो शेष प्रकृति एक प्रकार से क्रियाशील है, जो चैतन्य इकाई है उसमें विकास होना है। तो जो विकास होना है वो इसी रूप में होना है कि मैं स्वयं में अनुभव तक क्रियाशील हो पाऊं, और बाहर जीने में मानवीय परंपरा में भागीदार हो पाऊं। चिंतन और अनुभव में थोड़ा सा डिफरेंस और क्लियर करिए भाई। चिंतन में तो भाव के दिखने की बात की, हाँ, जैसे विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह का भाव, बढ़िया। तो इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, इसको अपने आप में देखें, ये देखें कि क्या हमें अपना विकास का यही कार्यक्रम दिखाई देता है। मैं भैया थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन को एलेबोरेट कर देंगे, इसमें क्या कॉन्टेम्पलेशन का मतलब है? व्यवस्था में भागीदारी का दिखना, संबंध का दिखना जी, सहज स्वीकृत भाव का दिखना। तो जितना भी मतलब चिंतन वाला हिस्सा है वो भी इसके इसमें वर्गीकृत किया जाएगा। हाँ, चिंतन का मतलब वही होता भैया, भागीदारी का दिखना। जैसे विश्वास एक भाव है जो मेरे संबंध में भागीदारी है, ठीक, विश्वास प्रभावित मतलब मुझे दिख जाए अपने आप में स्पष्ट रूप से कि दूसरा मनुष्य मुझे सुखी ही करना चाहता है, इसमें मुझे कोई शंका न रह जाए, कोई इस पे मुझे अंदर कोई अनर्गल भाव न रह जाए, कोई द्वंद न रह जाए, मुझे स्पष्ट रूप से दिख जाए जी, जी भैया, है ना, वैसे सम्मान का भाव दिख जाए, स्नेह का भाव दिख जाए, प्रेम का भाव दिख जाए, ठीक, तब तक वो अनुभव तक पहुंचेगा ही नहीं। क्या ये शिक्षा विधि से संभव है कि बिना वो आस्वादन के ही अनुभव कर ले? देखिए, आस्वादन की क्रिया में तो आप क्रिया तो आपके अंदर हो ही रही है ना,
तो बिना आस्वादन के कहीं जाने का तो मुद्दा नहीं है। तो आस्वादन की आपके अंदर हो रही है, चयन आपके अंदर हो रहा है, चित्रण तक तो आप एक्टिव है पहले से ही, यही है कि उल्टा पुल्टा हो रहा है काफी हद तक, इसलिए हो रहा है कि भावनाओं के प्रभाव में है, संवेदनाओं के प्रभाव में है। जब ऊपर गति करते हैं तो ये चिंतन को जागृत करते हैं, बोध को जागृत करते हैं। किसी पॉइंट पे मन बहुत जागृत होता है तो मेरे अंदर ज्ञान की पूर्णता हो जाती है। या तो ज्ञान आंशिक रूप से रहता है या ज्ञान में रहते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे 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 जीने में जो जो भी जीवन यात्रा है उसमें जीने में तो ये प्रमाण में आया कि मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, सामने वाला भी सुखी होना, दूसरा मैं भी सुखी होना चाहता है। तो इसको तो अनुभव करने में ही समय लगा, क्योंकि आस्वादन हुआ तब जाके अनुभव हुआ। अब जब अनुभव प्रमाण बन गया है तब जीने का सुख है। तो इसका मतलब सूत्र क्लियर कर लेते हैं, ये अनुभव की वस्तु नहीं है कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, ये तो चिंतन की वस्तु है। अच्छा, अनुभव का मतलब है कि पूरी प्रकृति शून्य में संपृक्त है ये दिखना। तो ये कब दिखेगा, मतलब ये तो अनुभव समय लगेगा और जीवन यात्रा चाहिए इसके लिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, समय लग सकता है, अभी हम चित्रण के स्तर पर भी ठीक से एक्टिव नहीं रहते हैं क्योंकि भाव के प्रति अवेयरनेस नहीं रहता है, कुछ कुछ करते रहते हैं। तो चित्रण पे ही आप अगर हम एक्टिव हो जाएं ठीक से तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे एक महत्वपूर्ण काम हम सबके लिए है कि हम व्यवस्था को चित्रित करें अपने अंदर, ये अभी हम नहीं कर पाते हैं। तो जैसे परिवार में तो हम जी रहे हैं, बट परिवार में व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा उसको भी हम चित्रित नहीं कर पाते। हम एक मानव की तरह तो जी रहे हैं ना, बट एक सुखी समृद्ध जीवन का स्वरूप क्या होगा इसको हम नहीं देख पाते हैं। हम समाज में तो जी रहे हैं बट एक व्यवस्थित समाज का स्वरूप होगा। तो अभी तो ये हम सब के लिए होमवर्क है कि अभी जितनी बात हुई उसको कम से कम चित्रित तो करें। अभी हमारे सामने जब कोई प्रस्ताव आता है सामने से तो हम विश्लेषित कर लेते हैं उसको, और जो अंश सुनाई पड़ा है ना उतने भर में हमारा विश्लेषण हो जाता है। हाँ ठीक बात है, अच्छी बात है, अपील कर रहा है, बट हम अपने आप में बैठ के चित्रित तो करें कम से कम कि अगर मैं परिवार में हूँ तो परिवार व्यवस्थित परिवार का स्वरूप क्या होगा, मेरा परिवार जब व्यवस्थित ढंग से जी रहा होगा तो कैसा जी रहा होगा, मैं कैसा जी रहा हूँ, मेरी पत्नी कैसा जी रही होंगी, बच्चे कैसे जी रहे होंगे, वो चित्रण भी हमको स्पष्ट है कि नहीं। वैसे ही समाज में हम जी रहे हैं है ना, ये मोहल्ले में परिवार में जी रहे हैं ठीक, तो गाँव में जी रहे हैं, शहर में जी रहे हैं, कस्बे में जी रहे हैं, ये एक व्यवस्थित समाज का स्वरूप क्या होगा, ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क है। अभी पता लग गया कि अभी तो हमने इसको चित्रित भी नहीं किया है। ठीक है ना, अभी तो सामने से कोई प्रस्ताव आता है जिस अंश पे ध्यान जाता है उसको लेकर हम प्रश्न करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, और उतने में हमको लगता है काम पूरा हो गया। अभी ये बैठ के चित्रण करने जाएंगे ना व्यवस्था का, संबंध का, है ना, तो आपको दिखेगा इसमें बहुत सारा काम अभी शेष है। तो ये भी हमारे लिए एक ड्यूएबल टास्क है कि हम परिवार में व्यवस्था का चित्रण करें कि मेरा व्यवस्थित परिवार कैसा होगा, ये व्यवस्थित समाज कैसा होगा ठीक, ये प्रकृति में व्यवस्थित मानव कैसा होगा। तो अभी तो पता लगेगा आपको कि अभी हम डिजायर पे भी चित्रण के स्तर पे भी ठीक से एक्टिव नहीं है। अभी इतने भर से काम चला रहे हैं, वो भी है ना जितने में हमको आस्वादन अनुकूल लगता है उतने भर में काम चलाते हैं। तो किसी समय हमको इस संवाद के साथ जो आस्वादन मिल रहा है वो अनुकूल लगता है तो हम उसका विश्लेषण कर लेते हैं, इसके बाद कोई और चीज अनुकूल लगती है तो उसका विश्लेषण कर लेते हैं। तो अभी हमारे अंदर तो ये चित्रण की क्रिया भी स्थिर नहीं होती है ना। अभी आप पाएंगे कि आप अपने ऊपर ध्यान देते ना आपको अपनी इच्छाओं का ठीक से पता नहीं चलता। तो आप थोड़ा सा देर इसको देखते हैं फिर लौट के विचार में आ जाते हैं, तो आप पाएंगे कि अभी हम किसी भी क्रिया पे जितनी देर तक टिक पाते हैं उससे पता चलता है कि वो क्रिया हमारे अंदर कितनी विकसित हुई है। तो अभी इच्छा भी हमारे अंदर ठीक से विकसित हो जाए ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टास्क है जो अभी नहीं रहता है। हम ज्यादातर समय विचार में और आस्वादन में जी रहे होते हैं। सही बात, सही बात। तो अभी ये चित्रण वाले पे भी काम करेंगे ना तो चिंतन करने की या चिंतन को जागृत करने की एक आवश्यकता समझ में आएगी। तो
ये जो समय लगा है हमारा है ना, अभी इससे और बहुत ज्यादा समय लगाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अभी हम ब्लॉक बी टू में भी ठीक से एक्टिव नहीं है, क्योंकि इमेजिंग नहीं किया हमने अभी तक, हारमोनी को इमेजिंग नहीं किया अभी तक हमने, पार्टिसिपेशन को, ऑर्डर को इमेजिंग नहीं किया है। ठीक, उसको भी बैठ के करें तो एक इम्पोर्टेंट टास्क है वो, और इसमें महीनों वर्ष लग सकते हैं इसको इमेजिंग करने में भी, अगर हम सिंसियरली करेंगे तो ये काम पूरा हो सकता है। वर्कशॉप से ये होता है कि हमारे अंदर एक इमेज बनने लगता है हैप्पी लाइफ का, प्रॉस्पेरस लाइफ का, एक हारमोनियस फैमिली का, एक हारमोनियस सोसाइटी का थोड़ा थोड़ा बनने लगता है। ठीक, बट उसको जब हम बैठ के अपने आप में चित्रित करने जाते हैं, बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होती है, प्रश्न उत्पन्न होते हैं, क्या एक व्यवस्थित परिवार में पैसे का लेन देन होगा, नहीं होगा, शिक्षा बच्चे को कैसे मिलेगी, बच्चे का लालन पालन कैसे होगा, पत्नी के साथ संबंध का निर्वाह कैसे होगा, बुजुर्गों से, अभी ये सब हमारे रहस्य बने रहते हैं क्योंकि हमने अभी तक परिवार की व्यवस्था को ही चित्रित नहीं किया है। हाँ, मतलब बीच का कोई प्रोसेस ना हो, बिना सोच विचार के सीधे चयन हो जाए, ऐसा भी होता है? ये हो सकता है कि बहुत विस्तार में आपने विश्लेषण नहीं किया, ठीक है, बट इतना तो विश्लेषित करते ही उस समय कि इस समय यही करना ठीक है, तभी तो उसका चयन होगा। तो जैसे बहुत गुस्सा आ गया है किसी को, ठीक है ना, बहुत तेज गुस्सा जी, और उसमें तुरंत उसने कोई हरकत कर दी जी, ठीक है, किसी के साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर दिया, हिंसा कर दी, ठीक है ना, तो उतने क्षण में जो विश्लेषण हुआ वो बहुत सीमित हुआ, पूरे ठीक से उसमें विश्लेषित नहीं किया, पर उसमें इतना तो हुआ ही कि इस क्षण में तो इसके साथ यही करना बनता है, तभी तो उसका चयन हुआ। लेकिन विश्लेषण हो रहा है लेकिन तुलन नहीं हो पा रहा ना इसमें, डायरेक्ट तुलन भी हो रहा है उसमें, लग रहा है कि इस संबंध में इस समय यही न्यायपूर्ण है, जैसा मान लिया है, किसने ऐसी बात कह दी कि इसका तो एकदम सर ही उड़ा देना है, छोड़ना ही नहीं है, तो उस समय लगा कि संबंध में यही ठीक है इस क्षण, तो उतना तुलन हुआ मान्यता के आधार पर, उसको ठीक से फैला के देखा नहीं। तो इसमें आस्वादन की तो कोई जगह ही नहीं बची फिर। आस्वादन ये है कि ये जो भाव का आस्वादन हो रहा है ना, विरोध के भाव का जी, है ना, उसका दुख मिल रहा है, घोर विरोध का दुख मिल रहा है, उसके साथ ही ये चयन हुआ, तो उस दुख के साथ ये चयन हुआ। ये तो उल्टा हो गया फिर, क्या क्या मतलब, अगर हम आस्वादन कर रहे हैं किसी चीज का तो आशा तो सुख की है, तो अगर इस तरह से अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये तो आस्वादन दुख का हो रहा है, तो फिर भी हम चयन कर रहे हैं, मतलब वो हो ही नहीं रहा है इसीलिए वो हम सीधे चयन कर पा रहे हैं, मतलब इतनी बुद्धि या बुद्धि का जो सोच विचार ही नहीं चल पा रहा है और सीधे मतलब इच्छा से चयन पे आ रहे हैं, और मतलब बहुत क्षणिक हो रहा है जो भी तुलन जी, तो आप पाएंगे आमतौर पर होता ही रहता कि हम, हमारी आशा तो सुखपूर्वक जीने की है, स्थिति दुखपूर्वक है, आस्वादन में दुख मिल रहा है, तो उससे हम निकालने के लिए अपने आप को चयन करते रहते हैं, तो हम सुखी होना चाहते हैं बट दुख से बचने के लिए हम चयन करते रहते हैं। मैं उसको इस तरह से देख रहा था भैया कि मतलब इतना क्षणिक आवेश या कोई आवेश या कोई इच्छा ऐसी हो जाती है कि कई बार ऐसा लगता है कि सीधे चयन ही हो गया उसका, मतलब कुछ भी सोचा नहीं, विचारा नहीं और सीधे उसका चयन कर लिया, मतलब बीच का कोई प्रोसेस ही नहीं, वैसा लगता है बारी। कोई ऐसा नहीं कि नहीं कुछ विचारा सोचा, वो पहले से जो विचार करके बैठे हैं ना उस क्षण में पूरा हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपका अलार्म बजा, ठीक है ना, और आप सुबह तुरंत बेड से निकल के बाहर आ गए, तो आपको लगता है कि अलार्म बजा मैं बेड से बाहर आ गया, ऐसा नहीं है, वो निर्णय आपके अंदर हो चुका है कि अलार्म बजे तो निकल के बेड से बाहर आ जाना है, उसका आप अपने आप में एक भाव के रूप में आपने एक स्वीकृति बनाई हुई है, क्योंकि कभी अगर आप अलार्म बजने के बाद भी सोते रह गए तो लेट हो गए, लेट हुए तो ऑफिस जाके कुछ सुनने को मिला, तो वो जो आस्वादन हुआ वो ठीक नहीं हुआ वहाँ पे, उसका देव विश्लेषण किया हमने कि भाई ऐसा नहीं, अलार्म बजते ही बेड छोड़ देना है, ठीक है, तो अब वो पहले से हम उसको विश्लेषित करके बैठे हुए हैं, अब जब अलार्म बजा तो क्षण भर में वो सारा काम पूरा हुआ। तो ऐसा ही होता है कि जब संबंधों में निर्वाह कर रहे होते हैं, किसी व्यक्ति के साथ संबंध को लेकर हम विश्लेषण कर रहे होते हैं बहुत पहले से, अगला व्यक्ति हमारे साथ
अनैतिक आचरण कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत पहले से उसका विश्लेषण कर रहे हैं क्या किया जाए कैसे किया जाए, फिर किसी पॉइंट पर जब उसने ऐसा कोई आचरण किया तो हमने उसी क्षण में निर्णय ले लिया, जब तो विश्लेषण पहले से करके बैठे हैं, उस क्षण में वो विश्लेषण पूरा हो गया। जब मतलब एक बच्चे का जन्म हुआ, उसकी पूरी शुरुआत हुई, तो वो उसके लिए चयन तो उसके माता पिता ने किया, तो उसको या तो वो पूरा प्रोसेस बताते हुए समझाते हुए उसके चित्रण को स्थापित करेंगे, मान्यता को स्थापित करेंगे, अदरवाइज सीधे उसके लिए वो चीजें ला ला के देते रहेंगे, उसको वो चीज उपलब्ध कराते रहेंगे और सीधे उसकी वो मान्यता में जाके फिक्स हो जाएगी, और फिर वो उन्हीं मान्यता को डाउनलोड करेगा अपने चयन के लिए। बीच के प्रोसेस जो कि उसे पता नहीं है, वो उसकी फिर खुद की लर्निंग होगी एक लंबे समय के बाद में, और वो फिर उसको सुख और दुख से इवेल्यूएट करके, लेकिन जब वो शुरुआत करेगा खुद के निर्णय लेने का, तो उस वक्त उसके विश्लेषण और अपना तुलन के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसके लिए समाज ने या परिवार ने चयन कर करके उसका चित्रण स्थापित कर दिया, और वहां से वो फिर कुछ समय तक वो सीधे डाउनलोड ही करता रहता है, मुझे ऐसा लगता है। जी देखिए, जब जो संक्रमण वाली परिस्थितियां होती है ना, उसको भी समझा जा सकता है। अगर आप बिल्कुल छोटे बच्चे को देखिए, तो उसका ब्रेन फुली डेवलप नहीं है जी। तो जो सेल्फ और बॉडी के बीच का इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है, सूचना का आदान प्रदान है, वो थोड़ा कम ही हो पाता है, लिमिटेड रहता है काफी। तो आप छोटे बच्चे को देखिए तो बिल्कुल शरीर सापेक्ष जीता है, ठीक है, उसका जितना शरीर में उसके अंग विकसित होते हैं, जितना मेधा विकसित होता है, उसके अनुसार वो आचरण करता है। तो किसी शरीर के प्रति उसकी स्वीकृति है, उसके साथ वो चिपका रहता है और उसके आधार पर ही चयन कर रहा होता है, उसका एक आस्वादन उसको मिल रहा होता है। फिर धीरे धीरे ये जो सेल्फ में एक्टिविटीज का पोटेंशियल है ब्लॉक बी टू और ब्लॉक बी वन में, ये ब्रेन के माध्यम से इसको ठीक से सूचना का दान प्रदान कर पाता है, तो सूचना ले भी पाता है, सूचना दे भी पाता है। अगर उस पूरे प्रोसेस को देखें कि बच्चे के जन्म से लेकर 8-9 वर्ष की आयु तक, तो आपको दिखाई देगा कि धीरे धीरे उसका एक्सप्रेशन में सब चीजें आ रही हैं। तो सेल्फ में पोटेंशियल तो है, बट सेल्फ में वो जो सूचना बाहर से आनी थी ब्रेन के माध्यम से, वो लिमिटेड आ रही है, क्योंकि ब्रेन फुली डेवलप नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सेल्फ में पोटेंशियल है, बट जैसे अभी हम कर रहे हैं, हमारा ब्रेन डेवलप है, बट सेल्फ में ये एक्टिविटी एक्टिव नहीं है। बच्चे के साथ क्या है कि सेल्फ में एक्टिविटीज ब्लॉक बी टू की तो एक्टिव है, बट ब्रेन अभी फुली डेवलप नहीं है। क्योंकि ब्रेन फुली डेवलप नहीं है तो बाहर से इतनी सूचना आ नहीं रही, तो वैसी है जैसे कि अगर सेल्फ विदाउट बॉडी हो और बाहर से सूचना नहीं आ रही, तो जो पहले से स्टोर्ड है वही चलेगा, नई सूचना मिल नहीं रही। अभी शिशु के जन्म के साथ नई सूचना जो मिल रही है वो लिमिटेड मिल रही है, क्योंकि ब्रेन फुली डेवलप नहीं है, इसलिए उतना फैल के ना तो चित्रण कर रहा है, ना विश्लेषण कर रहा है, तुलन कर रहा है ना, जो शरीर से संपर्क है उतने को लेकर आस्वादन चयन कर रहा है। जी 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 जी, इस प्रकार से चलता रहता है। मतलब आस्वादन के रूप में उसकी स्वीकृति हो गई, तुलन और विश्लेषण का बिल्कुल न्यूनतम भाग उसके अंदर संचालित हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो कंटेंट अभी जा नहीं रहा ना ठीक से वहां पे, जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस वर्ड के मीनिंग के साथ एक विश्लेषण हो रहा है। अब बच्चे को तो भाषा ही नहीं पता है। हाँ, सही बात है। वो तो आंखों से दृश्य ले रहा है ना, कान से कोई ध्वनि ले रहा है, ठीक, जीभ से स्वाद ले रहा है, उतनी एक सूचना के रूप में जा रही है। ध्वनि का अर्थ पता नहीं उसको, उसको इतना पता है ये धीमा है या तेज है, बट उस अर्थ शब्द का अर्थ क्या वो पता नहीं है। ये सामने वस्तु का एक रूप है, बट इस रूप का, इस वस्तु का प्रयोजन क्या ये है कि अपने आप में पता नहीं है। घर में जो सामान रखे हैं कि नहीं, तो उतने भर में उसका ब्लॉक बी टू एक्टिव रहता है। धीरे धीरे जब ब्रेन और डेवलप होता है, सूचना मिलती है, शब्द का अर्थ पकड़ता है, भाषा सीखता है, तो फिर वो जो विश्लेषण का पोटेंशियल है उसके अंदर, और विश्लेषण वो पहले से स्टोर्ड चीजों का कर रहा था, अब वो ठीक से कर पाता है, उसको एक्सप्रेस भी कर पाता है। तो ये जो B1 ब्लॉक की एक्टिविटीज है ना, तो उसको एक एक सेंटेंस में या संक्षेप में अगर इसको एक्सप्लेन करना है कि ये एक्टिविटी एग्जैक्टली है क्या, तो कैसे किया जा सकता है? तो अस्तित्व सहअस्तित्व है या दिखना अनुभव है? अच्छा, ठीक है। सहस्तित्व के दिखने के आधार पर स्वयं में जो गति बनती है वो प्रमाण है। अच्छा, ऐसी प्रकृति व्यवस्था है या दिखना बोध है?
यह दिखने के आधार पर स्वयं में जो गति बनती है वो संकल्प है। ओके ठीक है ना। वैसे ही संबंध यानी व्यवस्था में भागीदारी दिखना चिंतन है। अच्छा, उससे चित्रण को व्यवस्था के अर्थ में गति मिलती है। पूरे एग्जिस्टेंस को समझ नहीं लेते, देख नहीं लेते, तब तक तो जो चित्रण है वो व्यवस्था का तो नहीं पा रहा। अभी हमें अपनी मान्यताओं का पता घटनाओं से चलता है कि व्यवहार में कोई चूक हुई तो लगा ये मान्यता मेरे अंदर है। ठीक है, बट यदि हम अपने अंदर सिस्टमेटिकली बैठ के इस काम को करें कि हम संबंध का चित्रण करें, व्यवस्था का चित्रण करें, तो बहुत सारी मान्यताएं जो हमारे अंदर बैठी हुई हैं वो खुद ब खुद हमको दिखने लगती हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार में कठिनाई हो रही है, ठीक, और हमें उस पर आवेश आ गया तो हमको पता चलता, देखो अभी हमारे अंदर उसको चाहना पे शंका है ना, ऐसा है वैसा है, मेरे अंदर विरोध का भाव है। परंतु आप बैठ के उस व्यक्ति के साथ संबंध का चित्रण करिए कि उस व्यक्ति के साथ संबंध में मैं कैसा होना चाहता हूँ, तो आपको खुद से पता लग गया कि जब तक मेरे अंदर संबंध का भाव स्थापित नहीं हुआ उस व्यक्ति के प्रति, ये मैं उस व्यक्ति के साथ संबंध में कैसा होना चाहता हूँ मेरे अंदर ही चित्रित ही नहीं हो पा रहा, फैल ही नहीं पा रहा वो। ठीक है ना, तो आपको अपने आप में पता लगने लगता है। तो जैसे शरीर में कुछ हमने मान लीजिए हमने कुछ खा लिया, शरीर बीमार पड़ गया, ठीक, अब हमको बाद में लगता है देखो अभी हमारे अंदर ऐसी मान्यता बनी हुई थी, ऐसे संवेदना का अभ्यास था, ग्लानी हो रही है उसके लिए। बट आप अपने आप में देखिए कि मैं शरीर को किस प्रकार रखना चाहता हूँ, इसका चित्रण मुझे स्पष्ट है कि नहीं। सामने अब सारी परिस्थितियों में देखिए, सामने रसगुल्ला आ गया, ठीक, अब मुझे उसके साथ शरीर के साथ कैसे निर्वाह करना है, ये मुझे स्पष्ट है कि नहीं। तो सारी परिस्थितियों को जोड़कर आप देख लीजिए तो आपको दिखाई देगा कि एन नंबर ऑफ अजम्पशंस है हमारे अंदर, और हम जिस परिस्थिति में बाध्य हो जाते हैं किसी प्रतिकूल निर्णय के, हमको पहले ही से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे मुझे स्पष्टता नहीं है, मैं यहाँ फिर बाध्य हो जाऊंगा, यहाँ फिर बाध्य हो जाऊंगा। जैसे आप किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, है ना, मतलब मान लीजिए कहीं पे हम प्रभावित हो जा रहे हैं, तो अब देख लें कि अगर हम प्रभावित हो रहे हैं तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति के साथ, उस वस्तु के साथ हमारा क्या संबंध है, हमको स्पष्ट है कि नहीं, उसको हम चित्रित कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको हम देख लें अपने आप में, पता लग जाएगा कि वहां पे हम कैसे मान्यताओं के प्रभाव में हैं। मैं और शरीर का सहअस्तित्व में होना, ये दिखना, एक बार दिखने के बाद वह कंटिन्यूअस दिखना चाहिए या फिर उसमें ब्रेक हो रहा है तो वो सही अनुभव नहीं हुआ है? ये कंटिन्यूअस तभी दिखेगा जब नेचर का स्पेस में सबमर्जेंस दिखाई देगा, तभी जिसको हम सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस कह रहे हैं वो तो एक इंडिकेशन है कि अल्टीमेटली सेल्फ भी कोएग्जिस्टेंस में है, बॉडी भी कोएग्जिस्टेंस में है, और दोनों आपस में भी कोएग्जिस्टेंस में है। जी जी ठीक, तो अभी तो ये कह रहे हैं कि भाई परस्परता में है, अगर ठीक से देखें तो कोएग्जिस्टेंस जो सेल्फ और बॉडी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों परस्परता में है, है ना जी। आगे दिखा देता है कि ये दोनों स्पेस में है और स्पेस में बने रहते हुए परस्परता में है। तो ये भैया जब ध्यान देता हूँ तब दिखता है कि ये स्पेस में है, ध्यान नहीं देने से वह अस्पष्टता नहीं रहती है। वो तो किसी वस्तु को लेकर है, ध्यान देते हैं तो पता लगता है, अभी दिखा है नहीं, इसे प्रयास पूर्वक ध्यान देना पड़ता है। जी 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 जी, स्पष्ट हुआ भैया, बढ़िया भैया। आज का होमवर्क ये रहेगा कि अपने अंदर हम इस पूरे चीज को इमेजिंग करके देखें कि रिलेशनशिप में मेरी पार्टिसिपेशन क्या हो, है ना, हार्मनी जो नेचर में बना हुआ है उसमें मेरा पार्टिसिपेशन क्या हो, और पूरे लाइफ को हम देखें एज एन इंडिविजुअल मैं क्या होना चाहता हूँ। तो डिजायर के लेवल पे थोड़ा और आज हम काम करें, उसको काम करके लिखें। एज अ मेंबर ऑफ फैमिली मैं क्या होना चाहता हूँ, एज अ इंडिविजुअल इन सोसाइटी मैं क्या होना चाहता हूँ, ठीक, और वैसे साथ में देखें कि एक हारमोनियस फैमिली कैसी होगी, एक हारमोनियस सोसाइटी कैसे होगा, उसके सिस्टम्स कैसे होंगे, इन सबको अपने आप में विजुलाइज करना है, इसको इमेजिंग करना है, उसको करके आप लिखें, बहुत उपयोगी रहेगा।